एक फेयर कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जिसमें सभी को बराबर का अधिकार हो पार्टिसिपेट करने का या अप्लाई करने का। अगर सभी को बराबर का अधिकार ही नहीं है पार्टिसिपेट करने का तो वो फेयर नहीं होता। क्लियर नहीं हुआ तो ये स्क्रीनशॉट पढ़िए जो मैंने कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया, जहां से उन्होंने अनाउंस किया कि 40,000 स्टूडेंट्स को जो पीआर देनी है उसका क्राइटेरिया। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि ये जो पीआर का प्रोग्राम है 6 मई से 5 नवंबर तक ओपन है, या फिर जैसे ही 40,000 बच्चे पूरे हो गए जिन्होंने फाइल पकड़ा दी, जैसे ही 40,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया प्रोग्राम बंद। तो अभी आप बताइए क्या ये 6 महीने के लिए ओपन है? नहीं, ये 6 दिन के लिए भी ओपन है। यही एक्सप्लेन करूंगा मैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए लेके आता हूं, सबकी हेल्प होती है। क्यों ये प्रोग्राम 6 महीने के लिए ओपन नहीं है, क्यों ये अनफेयर है और क्यों ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ क्या किया जा सकता है, क्या सोल्यूशन है बच्चों के पास। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम बताता हूँ फिर सोल्यूशन बताऊंगा। तो प्रॉब्लम इज कि कनाडा गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 6 महीने के लिए ओपन है, साथ ही बोल दिया 40,000 फाइलें आ गई तो बंद। अभी स्टूडेंट्स बेचारों के आईएलटीएस के जो टीआरएफ है एक्सपायर है, उनके आईएलटीएस स्कोर के जो टीआरएफ है वो एक्सपायर है और बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इतने ज्यादा बच्चे बुक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आईएलटीएस वालों का पोर्टल 3-4 बार डाउन जा चुका है, और जो स्टूडेंट को स्लॉट्स मिल रहे हैं, डेट्स मिल रही है, वो मिल रहे हैं 3-4 महीने बाद की, सितंबर की, अक्टूबर की, ऑलमोस्ट 5-6 महीने बाद की। प्रोग्राम ओपन होने वाला है अभी 2 हफ्ते रह गए हैं, डेट मिल रही है 5-6 महीने बाद की। स्टूडेंट्स को टेंशन है, स्टूडेंट्स बारे सैड है। उनके सैड होने का रीजन क्या है कि कनाडा गवर्नमेंट ने फाइलें क्यों नहीं पकड़नी 6 महीने पूरे। फेयर क्या होना चाहिए, कनाडा गवर्नमेंट बोले जी हम 5 नवंबर तक सभी की फाइलें पकड़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे किसको पीआर देनी है किसको नहीं देनी, जो ज्यादा कैपेबल, जिसके आई स्कोर ज्यादा है, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, पॉइंट सिस्टम होना थोड़ा उसके अकॉर्डिंग देंगे। इस बार उन्होंने पॉइंट सिस्टम नहीं रखा, सीधे सीधे बोल दिया जी 5 बैंड चाहिए, 3 मॉड्यूल में 5, 1 में 4, और आप कनाडा में स्टडी आपने करी हो, प्रेजेंटली आप काम कर रहे हो, अप्लाई करते टाइम आप वर्किंग होने चाहिए और रिजल्ट आने टाइम भी आप वर्किंग होने चाहिए, मतलब वर्क परमिट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, सीधा सीधा बोल दिया। कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है स्टूडेंट्स के, उनको पता ही नहीं आई एस वगैरह का क्या सीन है, सभी के एक्सपायर है, सभी बेचारे जिस दिन से अनाउंस है उस दिन से लैपटॉप के सामने बैठे हैं, उस दिन से स्टूडेंट लैपटॉप के सामने बैठे हैं, उनकी मेंटल जो कंडीशन है राइट, वो अगर आपका कोई नॉन है तो उससे बात करके देखो, आई नो हाउ दे आर डूइंग, बड़ी मुश्किल से। तो उनके लिए भी मेरा सुझाव है कि यार आप लोग ऐसा मत करो, वेट मत करिए, जो भी स्लॉट मिल रहा है ना वो बुक कर लो, सितंबर का मिल रहा बुक कर लो, अक्टूबर का मिल रहा बुक कर लो, क्योंकि मान लो ये प्रोग्राम तो आपके हाथ से निकल जाएगा, जब तक आपका आईएलटीएस का डेट आ गया है ना जो आपने देना, तब तक ये प्रोग्राम बंद हो जाना है, क्योंकि इतने सारे लोग जो आईएलटीएस बुक कर रहे हैं ना, इससे आप अंदाजा लगा लो कि कितने सारे लोगों में दौड़ लगी है ये पीआर लेने की। आप देखना जिस दिन ये ओपन होना इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इनके पास ऑलरेडी आईएलटीएस है, बहुत सारे स्टूडेंट ने स्लॉट बुक कर लिए हैं, ठीक है, तो इतने ज्यादा लोग बुक करने वाले हैं कि ज्यादा देर नहीं चलेगा, मे बी अ कपल ऑफ वीक्स, इससे ज्यादा नहीं। तो ये प्रोग्राम आपके हाथ से निकलने वाला है, लेकिन और भी बहुत सारे प्रोग्राम आएंगे, उसके पीछे रीजन है प्रोग्राम आने के, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट कोविड की वजह से बाहर से लोगों को नहीं बुलाना चाहती जो कनाडा में रह रहे हैं, और उन्हीं को पीआर देनी है। तो आप अपनी तरफ से रेडी रहो, अपना आईएलटीएस वगैरह करके रखो, नया जो प्रोग्राम आएगा उसमें आपको पीआर मिल जाएगी, अब टेंशन मत लो, लेकिन आप अपनी तरफ से रेडी रहो। आप देखो एक बैड न्यूज है छोटी सी, यूएस की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा एक दो दिन पहले ही कि अवॉइड करो इंडिया जाना, इंडिया में आना जाना अवॉइड करो, उन्होंने यूएस में अनाउंस किया। क्यों अनाउंस किया उन्होंने? क्योंकि यहाँ पर कोविड के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं और कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो वो नहीं चाहते जी इन्फेक्शन उनकी कंट्री पहुंचे, इस वजह से वो ट्रैवल उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने ऑफिशियली बंद नहीं कर दिया, लेकिन उन्होंने एक एडवाइस दी, एडवाइजरी दी है कि आप इंडिया जाना अवॉइड करो। अभी इसका अफेक्ट कैनेडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट या और भी जो कंट्रीज हैं वहां भी पड़ेगा, वो भी सोचेंगे कि यार इंडिया से तो अभी नहीं बंदे बुलाने, राइट। वैसे भी अभी कंट्री जो कैनेडा नहीं बुला रही, देखो वो पीआर जो एक्सप्रेस एंट्री में है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को दे रहे हैं, वो लोग जो ऑलरेडी कैनेडा में है जिनको एक्सपीरियंस है कैनेडा का उनको पीआर दे रहे हैं। अभी उन्होंने ये पीआर जो स्टूडेंट के लिए अनाउंस करी उन्हीं स्टूडेंट के लिए करी है जो इस टाइम कनाडा में हैं, जिनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है,
और इसमें जो हेल्थ केयर वाले हैं या एसेंशियल सर्विसेज वाले, मतलब द बॉटम लाइन है जो लोग कनाडा में हैं वो उन्हीं को पीआर दे रहे हैं, क्योंकि पीआर तो उन्होंने देनी देनी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हर साल 3.5 लाख बंदे को पीआर देनी है, तो पीआर तो उन्होंने देनी ही देनी है, लेकिन वो अभी बाहर के लोगों को पीआर देना नहीं चाहते क्योंकि कोविड की वजह से वो नहीं चाहते कि इन्फेक्टेड लोग उनकी कंट्री आए और वहां जाकर और इन्फेक्शन फैले और ज्यादा केसेस हो। तो ये गुड न्यूज भी है स्टूडेंट्स के लिए जो वहां पे बैठे हैं कि वो अपनी तरफ से रेडी रहे, अपना आईस वगैरह करके रख लो और रेडी रहो आने वाली पीआर प्रोग्राम के लिए। और जो स्टूडेंट अभी जाना चाहते हैं कनाडा में, उनके लिए भी पॉजिटिव सिग्नल है, उनकी भी आने वाले टाइम में पीआर बड़ी इजी होगी और बड़ी ज्यादा इजी प्रोग्राम और आएंगे आप देखना। तो दिस प्रोग्राम शुड बी लिटिल यू नो फेयर, सभी को इक्वल हक होना चाहिए अप्लाई करने का, पार्टिसिपेट करने का। Or yeah, that's what I wanted to inform, and all the very best to all of you. I want all of you to get the Canadian citizenship, and thanks for watching. Thanks.